हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया है कि मैं अपने होम टाउन, अपने गांव आई हूँ अपनी मम्मी के पास में। तो ये प्रॉपर एक गांव है राजस्थान में। तो यहाँ पर अभी थोड़ी बारिश बहुत कम है, बहुत ही मतलब अच्छी बारिश तो सावन की हुई नहीं है, लेकिन फिर भी मॉइस्चर का मौसम है तो थोड़ा पेड़ पौधे ग्रो कर लेते हैं, तो इसलिए कटिंग लगाई जा रही हैं, कुछ पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। मेरे चाचा का घर है तो हम सब मिलकर यहाँ पर और पेड़ ग्रो कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कैनन लिली है। कैनन लिली बहुत इजीली ग्रो हो जाती है, अगर इसकी जड़ ना हो तो भी ये जड़ अपने आप बना लेती है। और जिसको केली बोला जाता है, ये हिबिकस की कटिंग लगाई है कुछ, और पर्सलेन की कटिंग है। पर्सलेन की कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है, हिबिकस की भी अगर मॉइस्चर रहा तो आराम से लग जाएगी। ये भी केली है, कैनन लिली है। कैनन लिली के अलग अलग थोड़े से वो आते हैं, शेड आते हैं, वैरायटी होती हैं। ये सदाबहार के हैं, कैनन लिली है, तो ये सब हमने लगाए हैं। तो मतलब आप देख रहे हैं कि आज के टाइम पे लोग कितने जागरूक हो रहे हैं, सब अपने घरों में पेड़ पौधे लगाने लग गए हैं। सबको पता है कि हरियाली कितनी ज़रूरी है। ये देखिए सदाबहार का ये इस बेल का मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, पर्सलेन की है सारी कटिंग। इसको लोनी भी बोला जाता है। इसकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। सदाबहार का ये पुराना पौधा है, इससे फलियाँ गिर गिर के, अगर आपके पास सदाबहार का एक पौधा होगा तो उससे अपने आप इसकी फलियाँ होती हैं वो गिर के अपने आप छोटी छोटी पौध बना लेती है। और ये तो बहुत अच्छा मौसम है इनके बारिश मतलब फ्लावरिंग करने का, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये बिल्कुल देसी सदाबहार है। ये इस पौधे का मुझे नाम बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा है कि फ्रेंड्स, अगर आपको इसका नाम ध्यान है तो मुझे याद दिलाइए। पिछले साल मैंने बहुत ग्रो किए थे, लेकिन ये इसमें पिंक कलर के फ्लावर आते हैं और इसका बीज जो होता है वो काली मिर्च जैसा होता है। और ये अमेरिकन दूब है, अमेरिकन घास दूब। तो इसको भी यहाँ पर हम एक लॉन टाइप बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं। तो इस दूब को अब बरसात के मौसम में ऐसे थोड़ा थोड़ा करके, और इसमें रूट्स हैं, मिट्टी में दबाते जाइए थोड़ी थोड़ी दूर में, और ये अपने आप, अब जैसे बारिश आएगी इसको पानी मिलेगा तो ये अपने आप पूरे में फैल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर।